हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, वापस हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई बुक की ऑडियो समरी, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो। मेरा मतलब, आप अपने कानों में अपने ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स को लगा लीजिए और इसे आपके रूटीन के काम करते हुए, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो या फिर वर्किंग वुमन हो, और अगर आप एक सचिन ठाकुर की तरह, जो हमारे इस YouTube चैनल के ओनर है, उनकी तरह आप आलसी हो, तो आप इसे आराम करते हुए या सोते हुए भी सुन सकते हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते सभी को, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम यू आर अ बैडास एट मेकिंग मनी बाय जेन सिंसिरो के कमाल की दुनिया में डाइव करने जा रहे हैं। यह पुस्तक एक शक्तिशाली गाइड है, जो आपकी धन से संबंधित सोच को बदलने में और आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को उच्च स्तर पर ले जाने में मदद करता है। तो चलिए चलो सीधे इस फाइनेंशियल सफर में। अपनी धन की सोच को मुक्ति देना, जेन सिंसिरो पुस्तक को शुरू करते हैं और रीडर्स को उनके धन से संबंधित विचारों को मुक्ति देने की ओर गाइड करते हैं। उन्होंने धन के आसपास के सीमित विचार और डर को पार करने का तरीका बताया, जिससे पढ़ने वाले धन की अनंतता को अपनाते हैं। निर्धारित करके धनिक बाधा को तोड़ना, सिंसिरो धन से संबंधित आधिकारिक बाधा को पहचानने और तोड़ने की बात करते हैं, जो सफलता को रोकता है। उन्होंने रीडर्स को प्रेरित किया है कि वो इन बाधाओं का सामना करें और उन्हें हटाने की दिशा में आगे बढ़े, अपने धन की अनंतता के लिए अपने संभावनाओं को खोले और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। विश्वास सिस्टम्स की ताकत को समझना। पुस्तक विश्वास सिस्टम्स की ताकत पर जोर देती है, जो धन की सफलता को आकर्षित करते हैं। सिंसिरो ने यह भी जानने को बताया कि विचार और विश्वास को बदलकर धन के बारे में अपनी कल्पना को कैसे बदला जा सकता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास और अवसर बढ़ता है। उदारता को अपनाना और असहजता से समझौता करना। सिंसिरो ने रिस्क लेने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अहमियत पर बात की है। उन्होंने रीडर्स को प्रेरित किया है कि वो सीमाएं पार करें, संकेतित रिस्क लें और हार का डर दूर करें, जो धन की वृद्धि की ओर अनिवार्य कदम है। एक सपना बनाएं और स्थिर करने योग्य लक्ष्य तय करें। लेखिका रीडर्स को एक सपना बनाने और स्पष्ट क्रियात्मक धनिक लक्ष्यों को सेट करने में गाइड करती है। सिंसिरो ने इस बात की महत्वा को बहुत जोर दिया है कि धन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्टता कितनी जरूरी है, और एक रोड मैप प्रोवाइड किया है उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। धन के साथ सकारात्मक संबंध व्यवस्था करें। सिंसिरो ने धन के साथ सकारात्मक संबंध व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने जाना कि ग्रैटिट्यूड, सम्मान और धन को उचित महत्व देने से अधिक अनंतता आती है, जो एक स्वस्थ धनिक जीवन को खींचता है। धन की ओर प्रेरित कार्यवाही। पुस्तक ने धन की ओर प्रेरित कार्यवाही की महत्ता पर बल दिया है। सिंसिरो ने रीडर्स को मोटिवेट किया है कि वो अपने आशाओं को प्राचीन कार्यवाही में बदलें, जिससे सफलता की दिशा में एक समर्पित प्रयास से धनिक सफलता हासिल की जा सकती है। धन से जुड़ी विपरीत प्रतिकूल संकट को पार करने और फिर से माजी को तोड़ना। सिंसिरो ने धन से जुड़ी विपरीत प्रतिकूल संकट को पार करने और उससे भी मजबूती से फिर से माजी को तोड़ने का तरीका बताया है। उन्होंने ये स्ट्रेटेजीज दी है कि किस तरह से वह धन से जुड़ी विपरीत प्रतिकूल संकट को पार करने और फिर से माजी को तोड़ना। सिंसिरो ने धन से जुड़ी विपरीत प्रतिकूल संकट को पार करने और उससे भी मजबूती से फिर से माजी को तोड़ने का तरीका बताया है। उन्होंने ये स्ट्रेटेजीज दी है कि किस तरह से विपरीत संकटों से गुजरना है, हार से सीखना है और चुनौतियों को बड़े धनिक सफलता की सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल करना है। अंतिम कन्फ्यूजन और उत्कृष्टीकरण। अंत में, यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी बाय जेन सिंसिरो आपके धन की हकीकत को बदलने का एक गेम चेंजर है। यह पुस्तक रीडर्स को अपने धन पर नियंत्रण लेने, सीमित की सीमाओं को तोड़ने और धन की अनंतता की जिंदगी को बनाने में मदद करती है। विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन शक्ति का इस्तेमाल। सिंसिरो विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन शक्ति पर बात करती है धन की सृष्टि में। उन्होंने रीडर्स को प्रेरित किया है कि वे अपने धनिक लक्ष्यों को विविध रूप से विजुअलाइज करें, विश्वास बढ़ाकर कि ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। किताब में ये बताया गया है कि सोच, भावनाएं और क्रियाएं मिलकर मंचित धनिक नतीजे को ला सकती हैं। धन संकट और खुद की प्रतिबद्धता को पार करने की स्ट्रेटजीज। सिंसिरो धन संकटों और खुद की प्रतिबद्धता से गुजरने की स्ट्रेटजीज पर बात करती हैं, जो धनिक प्रगति को रोकने का काम करती हैं। उन्होंने स्ट्रेटजीज दी हैं जो सीमित विश्वास को पहचानने और समझने में मदद करती हैं, जो पढ़ने वालों को अपनी खुद के द्वारा लगाए गए सीमाएं तोड़ने और अपने धनिक भविष्य पर नियंत्रण लेने में सक्षम बनाती हैं। आभारी होने और अनंतता की सोच को समझना। लेखिका ने आभारी होने और अनंतता की सोच को उभारने का जोर दिया है।
सिंसिरो ने बताया है कि अनुभवशील धनिक परिस्थितियों के लिए आभारी रहना और अनंतता को अपनाने से धन की अधिक अवसर आने लगते हैं। धनिक डिसिप्लिन और धन की आदतों का विकास। सिंसिरो धनिक डिसिप्लिन और स्वस्थ धन की आदतों पर ध्यान देती हैं। उन्होंने बजटिंग, बचत और समझदार निवेश करने की प्रक्रिया को लेकर उपयोगी टिप्स दी हैं, जो धनिक आधार बनाने में निरंतरता का महत्व समझाते हैं। वैल्यू क्रिएशन की महत्व को समझना। किताब ने वैल्यू क्रिएशन की महत्व को छुआ है। सिंसिरो ने यह जाना कि वैल्यू देना और दूसरों की सेवा करना धनिक सफलता में वृद्धि ला सकती है, और उसने इस बात को दिखाया है कि अपने पैशंस को व्यावसायिक रूप से सजीव रखना कितना महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान को अपनाना और अपने मायने को समझना। सिंसिरो ने रीडर्स को आत्मसम्मान को अपनाने और अपने मायने को समझने के लिए प्रेरित किया है धनिक सफलता की दिशा में। उन्होंने ये बहस की है कि अपने क्षमताओं, हुनर और योगदान की कदर करना कितना जरूरी है, और व्यक्ति को यह समर्थन दिया है कि वो अपने मायने का मोल लगा सकें और प्रबंधन करने में सक्षम हो सकें। धन की रचना के लिए करने योग्य स्ट्रेटजीज को लागू करना। किताब में धन की रचना के लिए करने योग्य स्ट्रेटजीज दी गई हैं। सिंसिरो ने निवेश, पैसिव आय का उत्पादन और व्यावसायिक प्रयासों को समझने के लिए गाइडेंस दी है, और पढ़ने वालों को प्रेरित किया है कि वो धन की रचना की दिशा में स्ट्रेटजिक कदम उठाएं। करियर परिवर्तन को नेविगेट करके और धनिक वृद्धि के अवसर को आकलन करना। सिंसिरो ने करियर परिवर्तन को नेविगेट करने और धनिक वृद्धि के अवसरों को बढ़ाने की बात की है। उन्होंने ये जाना कि नई अवसरों को पकड़ना, परिवर्तन को अपनाना और हमेशा क्षमताओं में सुधार करना धनिक गुणवत्ता को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। Here is the requested text in Hindi. व्यावसायिक डर को नेविगेट करने और परिपक्वता का विकास करना। सिंसिरो व्यावसायिक डरों का सामना करने और परिपक्वता का विकास करने की बात करती है। उन्होंने धन से जुड़ी डरों को समझने के लिए स्ट्रेटजीज दी हैं, जैसे कि हार का डर या कमी की मानसिकता, और पढ़ने वालों को प्रेरित किया है कि वे परिपक्वता विकसित करें और हर संकट से निपटने की क्षमता को बनाए रखें। रचनात्मकता और निवेश में नवाचार को अपनाना। लेखिका रचनात्मकता और निवेश में नवाचार को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। सिंसिरो ने बताया है कि विचार को अलग दिशा में ले जाना, असामान्य विचारों को परखना और रचनात्मकता को विकसित करने से धन की वृद्धि में ऐसे अवसर खुल सकते हैं जो अनोखे हैं। धनिक स्वतंत्रता और जीवन शैली का डिजाइन। सिंसिरो धनिक स्वतंत्रता और जीवन शैली का डिजाइन पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने पढ़ने वालों को उनके मनपसंद जीवन शैली को विश्वास पूर्वक रूप से कल्पना करने और उनके धनिक लक्ष्यों को उसी दृष्टि से सहायक बनाने की सलाह दी है, जिसमें जीवन को आनंदित और पूर्ण बनाने की महत्व को जोर से बताया गया है। समन्वय और धनिक आत्मविश्वास के कला। किताब समन्वय और धनिक आत्मविश्वास के बारे में चिंतन करती है। सिंसिरो ने प्रभावी समझौते करने की स्ट्रेटजीज दी हैं, जिससे पढ़ने वाले धनिक चर्चाओं में विश्वास बढ़ा सकें और अपने धनिक हितों के लिए प्रतिबद्ध हो सकें। सहयोगी जाल बनाने और मेंटरशिप की खोज। सिंसिरो ने सहयोगी जाल बनाने और मेंटरशिप की महत्व को जोर से बताया है। उन्होंने बहस किया है कि अपने आप को समन्वित लोगों के साथ घिरकर रखना और मेंटरों से सलाह लेने से व्यक्ति का व्यक्तिगत और धनिक विकास तेजी से बढ़ सकता है। निवेश में आगे बढ़ने का मंत्र और व्यक्तिगत विकास। किताब में निवेश में आगे बढ़ने और व्यक्तिगत विकास के लिए आगे बढ़ने का मंत्र दिया गया है। सिंसिरो ने बताया है कि सूचनाओं का उपदेशन, वित्तीय मुद्राओं को पढ़ना, वर्कशॉप्स में हिस्सा लेना और लगातार विकसित होना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति धनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। धनिक विजयों को उत्सव करने और आभारी होने का व्यावसायिक रूप। सिंसिरो ने धनिक विजयों को उत्सव करने और आभारी होने की महत्व को जोर से बताया है यात्रा के दौरान। उन्होंने पढ़ने वालों को प्रेरित किया है कि वे अपने सफलता को मान्यता दें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और धनिक लक्ष्यों की ओर की प्रगति के लिए आभारी रहें। व्यावसायिक सिस्टम्स और संगठन का विकास। सिंसिरो को व्यावसायिक सिस्टम्स और संगठन के विकास की महत्व को प्रस्तुत करना था। उन्होंने व्यावसायिक बजट बनाना, व्ययों का अनुमानन करना और व्यावसायिक धन को प्रबंधित करने के लिए सिस्टम्स स्थापित करने की महत्व को बताया, जो व्यक्ति के धन पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत विकास और क्षमता। विकास में निवेश। लेखिका ने व्यक्तिगत विकास और क्षमता, विकास में निवेश की महत्व पर जोर दिया। सिंसिरो ने पढ़ने वालों को खुद पर निवेश करने की सलाह दी, चाहे वो शिक्षा हो, कोर्सेज हो या क्षमता विकास के कार्यक्रम हो, और व्यक्तिगत विकास को धनिक सफलता का महत्व बढ़ाया। धनिक प्रबंधन के लिए तकनीकी और ऑटोमेशन का उपयोग। सिंसिरो ने धनिक प्रबंधन के लिए तकनीकी और ऑटोमेशन का उपयोग करने की बात की। उन्होंने धनिक ऐप्स, ऑटोमेशन टूल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके धनिक कार्य को स्ट्रीमलाइन करने के फायदे पर चर्चा की।
जो कि धन के प्रबंधन को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाते हैं। धनिक सफलता में धैर्य और दृढ़ समर्थन की भूमिका। किताब ने धनिक सफलता में धैर्य और दृढ़ समर्थन की भूमिका पर छुआ है। सिंसिरो ने विस्तार से बताया कि धनिक लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ने में धैर्य को विकसित करना और समर्थन बनाए रखना लंबे समय तक धनिक वृद्धि की स्ट्रेटजीज में मूल भूमिका निभाते हैं। आय के स्रोत को नेविगेट करना और विविधीकरण। सिंसिरो ने आय के स्रोत को नेविगेट करने और विविधीकरण पर ध्यान दिया। उन्होंने मल्टीप्लेक्स आय स्रोत की महत्व को परखने की बात की, साइड हसलेस, फ्रीलांसिंग या उद्यम से आय स्रोत को विविध करने और धनिक स्थिरता को बढ़ाने की महत्व को चर्चा की। सीधीपन को प्रभावित करके कार्यवाही लेना। लेखिका ने सीधीपन को प्रभावित करके कार्यवाही लेने के लिए स्ट्रेटजीज प्रदान की हैं। सिंसिरो ने पढ़ने वालों को सीधीपन और प्रक्रिया के बढ़ने से रोकने के लिए निर्धारित कार्यवाही कदम उठाकर आगे बढ़ने की सलाह दी है अपने धनिक लक्ष्यों की ओर। धनिक निर्णय लेने में रिस्क और इनाम को समझना। सिंसिरो ने धनिक निर्णय लेने में रिस्क और इनाम को समझने की बात की है। उन्होंने पढ़ने वालों को निवेश से जुड़े रिस्क फैक्टर्स को मूल्यांकन करने की सलाह दी, जिससे उन्हें उनके रिस्क सहानुभूति और धनिक लक्ष्यों के अनुकूल निर्णय लेने में मदद मिले। धन रचना में मानसिकता की भूमिका। सिंसिरो मानसिकता की मुख्य भूमिका को जोरदार दिखाते हैं धन रचना में। उन्होंने चर्चा की है विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों के प्रभाव की धनिक सफलता पर, जो कि सकारात्मक और विकास प्रवृत्ति मानसिकता के शक्ति को खींचाव बनाने में विशेष महत्व रखती है। असफलता को गले लगाना और घातों से सीखना। लेखिका को असफलता को गले लगाने और घातों से सीखने की सलाह दी है। सिंसिरो ने बताया है कि असफलता सीखने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, जो वृद्धि, दृढ़ता और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायक होती है धनिक सफलता की दिशा में। धनिक अनुभव और निर्धारण क्षमता को वृद्धि देना। सिंसिरो ने धनिक अनुभव को वृद्धि देने और निर्धारण क्षमता को विकसित करने पर विचार किया है। उन्होंने पढ़ने वालों को अपने अनुभव पर भरोसा करने, धनिक अनुभूति को विकसित करने और अपने लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाने वाले अधिकृत निर्धारण लेने की सलाह दी है। धनिक जीवन शैली की मानसिकता को विकसित करना। किताब धनिक जीवन शैली की मानसिकता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सिंसिरो ने बताया है कि कैसे विचारधारा को वृद्ध, स्वतंत्रता और उन्नति के साथ मेल खाने वाली मानसिकता का विकास करके न सिर्फ धनिक लक्ष्यों पर बल्कि जीवन के आनंद में भी सकारात्मक प्रभाव होता है। स्वास्थ्य की पालना और तनाव प्रबंधन का अभ्यास। सिंसिरो ने धनिक खुशी के लिए स्वास्थ्य की पालना और तनाव प्रबंधन की महत्व को परखने पर चर्चा की है। उन्होंने मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की महत्ता को जोर दिया है, ताकि धनिक चुनौतियों को सक्षम तरीके से संभाल सकें। वर्तमान आनंद और भविष्य की धनिक योजना का संतुलन। लेखिका ने वर्तमान आनंद को भविष्य की धनिक योजना के साथ संतुलन बनाने की चर्चा की है। सिंसिरो ने पढ़ने वालों को जीवन का आनंद लेना और साथ ही भविष्य के लिए जिम्मेदारी से योजना बनाने के बीच संतुलन स्थापित करने की सलाह दी है। धन लक्ष्यों में उत्साह और गति को बनाए रखने के लिए उपाय। सिंसिरो ने धन लक्ष्यों में उत्साह और गति को बनाए रखने के लिए उपाय दिए हैं। उन्होंने सलाह दी है कि मंजिलों को प्राप्त करने के लिए, उन्नति को मानने के लिए और लक्ष्यों को पुनर्विचार करके उत्साह और प्रगति को बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। धन को एक सकारात्मक प्रभाव के लिए उपयोग करने का विचार। सिंसिरो धन को एक सकारात्मक प्रभाव के लिए उपयोग करने के विचार को व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह सलाह दी है कि पढ़ने वालों को सोचना चाहिए कि उनका धन और धनिक सफलता कैसे सामाजिक समस्याओं, दान या उनके विश्वास में विचलित उद्देश्यों को समर्थन देकर दुनिया में एक महत्वपूर्ण अंतर बना सकते हैं। धनिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का विकास। लेखिका ने धनिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का विकास करने पर जोर दिया है। सिंसिरो पढ़ने वालों को अपनी धनिक भविष्य की जिम्मेदारी उठाने की सलाह दी है। उन्हें उपयोग करने के लिए साधन और दृष्टिकोण प्रदान किया है, ताकि वे धनिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की जिंदगी बना सकें। लंबी कालिक सफलता के लिए धनिक दृष्टिकोण का संभाल। सिंसिरो ने लंबी कालिक सफलता के लिए लगातार धनिक दृष्टिकोण को संभालने की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने यह जताया है कि धन के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाना और उसे संभालना एक लगातार यात्रा है, जो समर्पण और लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। एनवायरनमेंट और प्रभावों का धनिक विचारों पर प्रभाव। सिंसिरो ने यह एक्सप्लोर किया है कि हमारे एनवायरनमेंट और प्रभाव हमारे धनिक विचारों को कैसे आकर्षित करते हैं।
उन्होंने पढ़ने वालों को सलाह दी है कि वे बाहरी प्रभावों और सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करें जो उनके धनिक मानसिकता को आकर्षित करती हैं, उनको अधिकृत करके और परिदृश्य विचारों को पुनः बनाने में सहायक हो। धनिक प्रयासों में रिद्धि और नए विचारों को खोलती दुनिया। किताब रिद्धि और धनिक प्रयासों में नए विचारों को खोलती है। सिंसीरो पढ़ने वालों को प्रेरित करती है कि वे अपने सृजनात्मकता को इस्तेमाल करें, परंपरागत धनिक मॉडल्स के बाहर सोचें और धन की रचना के लिए नए नए विचारधाराओं को अन्वेषण करें। धन की सुरक्षा और वंशजों का निर्माण के लिए स्ट्रेटजीज। सिंसीरो धन की सुरक्षा और वंशजों का निर्माण के लिए स्ट्रेटजीज प्रदान करती है। उन्होंने एस्टेट प्लानिंग, संपत्ति की सुरक्षा और वंशजों के बीच एक स्थायी वंशज निर्माण की महत्ता पर चर्चा की है जो अनेक पीढ़ियों तक का विस्तार करता है। धन और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच संयोजन ढूंढना। सिंसीरो ने धन और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच संयोजन ढूंढने का महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने पढ़ने वालों को सलाह दी है कि वे अपने धनिक लक्ष्यों को अपने मूल्यों के साथ मेल करके रखें ताकि उनका धनिक उद्देश्य उनके सिद्धांतों और विचारों से मिलता जुलता रहे। रिस्क लेने और विकास दृष्टिकोण को अपनाना। सिंसीरो रिस्क लेने और विकास दृष्टिकोण को अपनाने का महत्व पर विचार करती हैं। उन्होंने यह सलाह दी है कि पढ़ने वालों को चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखें और धनिक सफलता की ओर जाने के लिए सूझबूझ से रिस्क लेने की इच्छा को बढ़ावा दें। धन और समृद्धि के मनोविज्ञान को समझना। किताब धन और समृद्धि के मनोविज्ञान पर गहराई से बात करती है। सिंसीरो धन से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलुओं को, जैसे कि कमी की मानसिकता और समृद्धि की मानसिकता को, और इस तरह की दृष्टि बदलने से धनिक परिणाम पर गहरी प्रभाव डाल सकती है, उस पर व्याख्या करते हैं। स्थायी क्रिया से दूर होने और सफलता की भय से निपटने का तरीका। सिंसीरो स्थायी क्रिया से दूर होने और सफलता की भय से निपटने का तरीका पर जोर देती हैं। उन्होंने प्रोग्रेस को रोकने वाले मानोवैज्ञानिक रोकों का सामना किया है, जैसे कि खुद के धारों को तोड़ने के उपाय बताया और नए ऊंचाइयों को चुनने में मदद की। व्यक्तिगत विश्वास और नम्रता का संतुलन धन संबंधी मामलों में। लेखिका ने धन संबंधी मामलों में व्यक्तिगत विश्वास और नम्रता का महत्व दिया है। सिंसीरो पढ़ने वालों को सलाह देती हैं कि वे अपने क्षमताओं में आत्मविश्वास को विकसित करें और सीखने में खुलकर रहें और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लेने की। निवेश स्ट्रेटजीज और धन संचयन की खोज। सिंसीरो निवेश स्ट्रेटजीज और धन संचयन के विभिन्न तरीकों में इनसाइट्स प्रदान करती हैं। उन्होंने एसेट आवंटन, भिन्नता, स्थिरता आय और गणना आदि जैसे कॉन्सेप्ट्स को छुआ और मजबूत धनिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए गाइडेंस दी। धन संबंधी शिक्षा और लगातार शिक्षा को अपनाना। किताब धन संबंधी शिक्षा और लगातार शिक्षा को अपनाने की सलाह देती है। सिंसीरो धन की ट्रेंड्स, बाजार और निवेश अवसरों के बारे में सूचित रहने की महत्व को दिखाते हैं ताकि समर्थित और समझदार धन संबंधी फैसले ली जा सकें। धनिक वृद्धि के लिए कृतज्ञता भावना को बढ़ावा देना। सिंसीरो धनिक वृद्धि के लिए कृतज्ञता भावना को पुनः प्रकट करता है। उन्होंने धन में अधिक समृद्धि आकर्षित करने और धन के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाने में कृतज्ञता का परिवर्तन करने की शक्ति को परखने की चर्चा की है।